ख्वाजा आसिफ जब बोलें तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखा करें। दिल पर पत्थर रखकर जुर्म के बावजूद धरना दे रहे हैं और ना ही एहतजाज कर रहे हैं। कमेटी में मुनासिब नहीं कि पूरी बात ना बताई जाए। ऑपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैरिस्टर गौहर ने कहा, ख्वाजा आसिफ हम ऑपोजिशन में ज़रूर हैं लेकिन आपके ग़ुलाम नहीं हैं। कल स्पेशल कमेटी में जो हुआ वो सबके सामने बयान करूँगा। हम ये तय करने के लिए नहीं बैठे कि किस हुकूमत ने कितने लोगों को उठाया। माजी को डिस्कस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारा आपसे एक इल्तिमास है, आप बराए मेहरबानी अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले। असेंबली में हम बैठे हुए अपोजिशन में जरूर हैं, पर हम आपके गुलाम नहीं बैठे हुए हैं, हम आपके मुजारे नहीं बैठे हुए हैं कि आपकी जुमा खुतबा की तरफ जो कुछ बोलो हम उसके सुनते रहे। स्पेशल कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी। बावजूद इसके कि आप लोगों के बैठने पे स्ट्रांग रिजर्वेशन से दिल पे पत्थर रख करके हम सब कुछ के न धरना दे रहे हैं, न प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न रिजाइन कर रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं। हम बैठे हुए इस फोरम को कि इसको हमने मजबूत करना है और आप जैसे लोगों का रास्ता रोकना है। हमने अगर आगे बढ़ना है, ये सख्तियां कम करनी है, ये तनाव कम करना है, इस मुल्क को बेहतर करना है, इस यकीन को मजबूत करना है। और मैंने सुबह भी यही कहा है कि इसके लिए पर्सन स्पेसिफिकली जिस ना करें।